ब्रेक तो बाद स्वागत है जी विचार वटांदरा आज असी कर रहे हैं स्टूडियो दे विच साडे नाल मौजूद ने दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान मनजीत सिंह जी के ते नाल धर्म प्रचार कमेटी दे चेयरमैन परमजीत सिंह राणा दोनों स्टूडियो दे विच मौजूद ने। सब तो पहला सवाल तो यही बनता है सिख मसलियां दी सिख पंथक इशूज़ की गल करिए बहुत ज़्यादा रोष हैगा यूके अते यूरोप दे विच वसदी संगत दे उत्ते क्योंकि रोजाना असी प्रोग्राम करते हैं तो अपने वो जिहड़े रोष आ प्रगट करदी है कि उन्होंने लगता कि जिहड़ी RSS दखलअंदाजी कर रही है BJP जिस तरीके की हिंदू राष्ट्र एजेंडे की गल करती है उस तो अलावा जिहड़े होर घट गिणती भाईचारे के लोग ने वो महफूज नहीं फील कर पा रहे। ओपनिंग कमेंट्स ऑन दिस ऑल इशूज टुडे। मैं समझदा वा कि जिहड़े तुसी गल आख्या कि बाहरले सिखां दे विच यूरोप दे सिखां दे विच दर्द है, ये दर्द दुनिया भर के सिखां दे विच हैगा, सांझे रूप च हैगा। हरेक सिख हरेक गुरु नानक नाम लेवा अपनी किते ना किते जे उहदी आज़ादी नूं खत्म करन दी कोशिश कीती जावे तो हमेशा रिएक्ट करता है। बाहर वसदा जिहड़ा भाईचारा उहनां दे मनां च दर्द हैगा, लेकिन एक गल समझो ग्राउंड जीरो ते असीं बैठे हाँ, लड़ाई असीं लड़ रहे हाँ उत्थे। और तुसी जेड़े इशूज़ कहने हो जेड़े इशूज़ हले तुसी नहीं चुके अगे आने वाले शो चुकोगे वो सारियां दा विस्तार मैं देंगा। RSS दी तुसी दखलअंदाजी की गल कीती है, मैं समझदा वा कि असी किसे किस्म नाल गुरु घरां दे विच RSS दी कोई दखलअंदाजी नहीं होण दित्ती। जरूर कोशिशां करदे होणगे और ब्लंट हो के उहनां नूं वापस रिवर्स करीदा। पिछे तुसी देखिया सीगा एक बयान आया सीगा RSS दे किसी सैमीनार दे विच कि गुरु अर्जन पातशाह दी हिस्ट्री नू रीराइट करनगे। बीइंग प्रेजिडेंट ऑफ दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी श्रोमणी अकाली दल का प्रधान मैं दिल्ली का होने के नाते अच्छी तरह जवाब दिता सीगा कि कोई काम नहीं किसी RSS वाले का कि वह साड़ी हिस्ट्री बारे लिखे। अगर हिस्ट्री लिखनी है साढ़े अपने विद्वान ने SGPC DSGMC ए जिहड़ी हिस्टरी नू कोई रीराइट करना या कोई सोध होनी है ये साडियां जिहड़ियां अकाल तख्त साहब तो या SGPC या दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी जिहड़ी इंस्टीट्यूशनस ने उन्हां तो इलावा किसी का कोई राइट नहीं। सो मैं समझदा वा कि इस दे उत्ते बड़ा क्लीयर हाँ असी और असी RSS का हवा बनाने RSS नू असी खंगण भी नहीं दिंदे अपने धार्मिक मसले। तो फिर स्टेज सांझी क्यों होंदी है प्रधान मनजीत सिंह जी के जी जब तुसी RSS की गल नहीं करते तो BJP की स्टेज तुसी सांझी करते हो उस दे विच RSS दे जिहड़े नुमाइंदे ने वह भी मौजूद होंगे ने उस प्रोग्राम के मैं याद है अमित शाह का वो प्रोग्राम जिते तुसी स्पीच भी दी सी अपनी तो फिर वह स्टेज सांझियां क्यों होंदी अगर अजि कोई गल नहीं हैगी। मैं एक गल दसी जाए कि यह गुरुद्वारा कमेटी की स्टेज है कोई सोशल स्टेज होवे कोई बाहर उन्हों का प्रोग्राम होवे BJP की स्टेज है वो BJP नाल श्रोमणी अकाली दल का गठबंधन है RSS का वो की मतलब है अगर कोई RSS का लीडर आया तो उन्होंने बुलाया। हाँ असी अपनी स्टेज लाई होवे असी अपना प्रोग्राम किया और असी बुलाया होवे तुसी ते इदा मैं समझदा वा कि आप 550 साल गुरु नानक पातशाह का अगले साल मनान जा रहे हैं असं तो गुरु नानक साहब के फलसफे तो उल्ट चले गए। गुरु नानक साहब तो उस जगह पर भी गए थे जिस जगह पर उन्होंने ठीक नहीं नज़र आता सीगा और जाके उन्होंने अपना स्नेहा दिता सीगा। जे अमित शाह की स्टेज की तुसी गल करते हो 26 जनवरी इसे साल जिदन 26 जनवरी रिपब्लिक डे हुंदा रिपब्लिक डे परेड निकलती है चांदनी चौंक दे विच उन्होंने प्रोग्राम किया और सरबंसदानी प्रोग्राम किया और उत्थे जाके जो मैं बोलिया वा तुसी हले एजेंडा आर्टिकल 25 नहीं लिया उत्थे 5 केंद्रीय वजीर बैठे होण BJP का प्रधान बैठा होवे और मैं ठोक के गल कर रहा हुआ कि आर्टिकल 25 साढ़े नाल धोखा होया आज़ादी के वक्त साढ़े मैं कहा 26 जनवरी है अज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनया 1951 दो सिख नुमाइंदे सी साडे अकाली दल दे दोवां ने साइन नहीं किए सी उस कॉन्स्टिट्यूशन दे उत्ते सार हुकम सिंह और दूसरों का मैनू ना इस वेले दिमाग च नहीं आ रहा। मैं समझदा वा ये लड़ाई है साड़ी है असी लड़ते पए हाँ RSS नूं असी चंगी तरह रिबफ करते हैं किसी किस्म की इंटरफेरेंस नहीं है लेकिन बार बार वो गल्लां कीतियां जांदियां जिन्हां दे विच कोई तत्थ नहीं। फिर एक गल क्यों नहीं समझ आउंदी सामने कि आर्टिकल 25B दे विच दिक्कत कित्थे आ रही है। NDA की सरकार है तुहाडा भाई वाला श्रोमणी अकाली दल दा BJP दे नाल तुसी पार्लीमेंट दे विच भी गिणती दे विच हो तुसी राज सभा दे विच भी गिणती दे विच हो तो कित्थे प्रॉब्लम आ रही है कित्थे तुहानूं लग रहा कि दाव पेज जिहड़े ने फस रहे ने। इस तरह हुंदा कि सारे इशूज़ जिहड़े ने वह अपना समा जरूर लेंदे ने। हाँ असी उन्हां इशूज़ के उत्ते या तो बोलना बंद करता होवे पार्लीमेंट साडे मैंबर पार्लीमेंट्स ने इशू चुके ने
मैं उन्हां दी स्टेज ते जाके इशू चुके ने। पिछले समय दे विच हुणे कुछ महीने पहले अमृतसर मंजी साहब हॉल दे विच जदों अकाली दल दा 97वां जन्मदिन मनाया गया उत्थे मेन मुद्दा ये पास होया, मेन रेजोल्यूशन ये पास होया। तुसीं इह गल समझो, बीजेपी ना साडी भाईवाली है ना, हुण बीजेपी जिहड़ी 370 धारा जम्मू कश्मीर च नूं खत्म करना चाहती, असीं उहनूं खत्म नहीं करना चाहते। बीजेपी स्टेटां नूं वध अधिकार नहीं देना चाहती, ना कांग्रेस देना चाहती। अकाली दल वध अधिकार मंगता अटोनमी के हक च, फैडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट मंगता जिदा अमेरिका च है, लेकिन साडा उहनां दा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, असीं कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से चलते और ये इशूज असीं चुकते हाँ। असीं एस आई टी बनवाउण दे विच कामयाब होए हाँ, असीं जेलां च बैठे पहली दफा ब्लैकलिस्ट माफ हुई है। पिछले 32 साल 34 साल ब्लैकलिस्ट कभी माफ नहीं हुई सी, पहली दफा ब्लैकलिस्ट चो नाम कटे गए ने। जिन्ने इशू ने साडे जिहड़े जेलां च सिंह बैठे ने, उन्हां दी पैरवाई करना, उन्हां दे केस लड़ना, ये सारियां गल्लां असीं करदे पए हां। सो मैं समझदा इक आरएसएस दा हौआ, तुसीं बार बार एक चीज़ कह के सानू भी जवाब उहदे वास्ते देण च कोई इतराज़ नहीं, पर अफसोस यह हुंदा कि जिहड़ी चीज़ां च तथ नहीं हुंदा उह चीज़ां सामने लियाईआं जांदीआं। फिर कित्थे है 34 सालां दा इंसाफ? हुण चलो जिहड़ी हुण तजवीज़ रखी जा रही है, फास्ट ट्रैक कोर्ट दी तजवीज़ रखी जा रही है, या फिर जिहड़ा तुसीं भी लैके आए हो अपने स्टिंग्स तुसीं लैके आए सीगे, लेकिन वह उल्टा ही केस तुहाडे उत्ते कर दिता गया। तो लोकतंत्र जिहनूं भार जिहनूं देश दा सब तो वड्डा लोकतंत्र कहा जाता, कित्थे गल्लां ने फिर, वो कित्थे है वो इंसाफ? अज जेकर तुहाडी बीजेपी दे नाल भाईवाल हैगी है, उम्मीदा तो है ना, श्रोमणी अकाली दल प्रैशर क्रिएट कर सकती है और जिस तरीके की मंग की जा रही है वो बन सकती है गल। मैं समझदा वा कि तुसीं सिर्फ सवाल पूछ रहे हो जी, उस शख्स नूं पूछ रहे हो जिहड़ा पिछले 34 साल तो लड़ रहा, जिहड़े पार्टी ने जिहड़ी मैं समझदा साडी ऑर्गनाइजेशन ने 2009 दे विच सज्जन ते टाइटलर दीआं टिकटां कटाईआं, उहनां नूं पोलिटिकली खत्म कीता। हर केस दे विच उहदी पैरवाई करनी, भावें जेलां सिंह बैठे ने। अगली गल, तुसीं आखिआ है कि उह इंसाफ कित्थे है जी, हुण असीं उह इंसाफ वास्ते लड़ाई लड़दे पए हाँ। मैनूं इह दस्सिआ जावे, जदों किते कोई वारदात हुंदी है ना ते उहदी एफ आई आर दर्ज हुंदी है, जे एफ आई आर दर्ज करन च 10 साल लग गए होण, 11 कमीशन ते कमेटियां बनिया गई होण। मैं दिल्ली की गल कर लवां, हुण इस गल नूं ध्यान नाल सुनना, ये सवाल तो बार बार पुछदे हो, लेकिन यह भी देख लो कि उन्हां वास्ते असीं अज तक की कर रहे हैं और उस वेले कर रहे हैं जिथे उन्हां दे खिलाफ कोई बोल नहीं सकदा सी। पिछले 35 सालां दे विच वध कांग्रेस का राज रहा है, 587 एफ आई आर दर्ज हुंदियां ने 11 कमीशन ते कमेटियां तो बाद, 241 पुलिस आपे ही बंद कर जांदी है, क्योंकि खाली दिल्ली दे विच जदों ये नरसंहार होया, जदों ये कतलेआम होया, 15,000 एफ आई आर होनियां चाहीदियां सीगियां। तो जे 10 सालां बाद एफ आई आर हो रही ने, उहदे बाद सुओ मोटो बंद कीतियां जा रही ने, गवाह अगे आण नूं तैयार नहीं, जे किसी केस नूं असीं लॉजिकल एंड तक लै गए हाँ तो किते ना किते साडा गवाह हिल जांदा है। मैं एक केस तुहाडे सामने मैं दस सकदा वा कि जिहड़ा टाइटलर का केस सीगा पुलबंगश गुरद्वारे ते 3 या 4 लोगों के कतल का, वो उत्ते केस सीगा, उहदे जिहड़ा मुख गवाह हैगा सीगा अखीरले वेले आके कोर्ट च स्लिप मार गया, की कारण रहा उही गल मैं टेप ते लैके आया वा कि टाइटलर ने उहनू खरीदिया हैगा। मैं समझदा वा कि असीं इह लड़ाई उह लड़ रहे हाँ जिहड़ी लड़ाई हार चुके सी। जीके जी साडे नाल दर्शक भी ने, साडे इस प्रोग्राम दे बैकबोन ने, सानूं रोजाना फोन करके अपनी प्रतिक्रम अपने सुझाव सानूं दिंदे ने, उहनां दे भी असीं फोन कॉल्स लै लईए, सानूं फोन आने शुरू हो गए ने। सत श्री अकाल जी, तुसीं ऑन एयर हो, कौन बोल रहे हो, कित्थों बोल रहे हो? ਭਾਈ ਹਰਕਿਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ 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 ਭੋਗਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਅੱਜ ਲਿਆਏ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ, ਅੱਜ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਅਸੀਂ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਹੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਹਰੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨੂੰ 34 ਵਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 34 ਵਰੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਨੰਬਰ ਇੱਕ। ਨੰਬਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਈਏ।
ਜੀ ਜੀ ਪੋਗਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜੀ 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 ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਟਾਈਟਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਇੰਨੇ ਸਬੂਤ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਭੋਗਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖਾਂਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਖਾਂਤ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਸੀਡੀਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਵਾਂ ਔਰ ਸੀਡੀਆਂ ਮੈਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਕੀਰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਿਟ ਗਏ ਨੇ ਜਾਂ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਉਂਗਲਾਂ 'ਤੇ ਗਿਣਨ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਬੂਤ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਨੰਬਰ 1, ਸੈਕਿੰਡਲੀ CD ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ FIR ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰਾ ਦਿਓ, ਧਮਕਾ ਦਿਓ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੌਜੀਕਲ ਐਂਡ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਬੋਲਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੈ ਮੈਂ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ, ਇਨ ਏ ਸੈਂਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ, ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਿੱਲਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਆਈ ਸਲੂਟ ਹਿਮ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾਈ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ, ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮਲੂਕਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਅਰਦਾਸ ਪੁੱਠੀ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਕਿੰਨੀ ਭੈੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ, ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ ਜੀ, ਸੁਣਾ ਜੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ ਜਥੇਦਾਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਜਥੇਦਾਰ, ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਖਾਉਤੀ ਜਥੇਦਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੈਰਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਕੈਰਾਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ, ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਲਈ ਰੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਕਾਲਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨਸ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।